हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप यू आर डूइंग गुड फ्रेंड्स। आज हम बनाने वाले हैं पनीर बटर मसाला। आज आप देखिए हम कैसे बनाते हैं पनीर बटर मसाला। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे देखते रहिए हमारे वीडियो। और वीडियो अच्छा रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस, चलिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, ये हम यूज़ कर रहे हैं अभी 1.5 स्पून ऑयल। साथ में हम यूज़ कर रहे हैं 1.5 स्पून बटर। तो उसको ठीक तरह से हम अभी दोनों को ठीक तरह से आप मिक्स कर लेंगे। और डाल रहे हैं अभी क्यूमिन सीड्स। ये जो है अनियन अभी हम डालने जा रहे हैं। यहाँ पे 3 अनियन है जो मैंने उसको छोटा छोटा पीस करके रखा था। ये जो है इलायची, मैंने 4 ही इलायची डाला है उसमें। ये है जो लौंग, यह लौंग भी 4 है, 4 ही डाला मैंने। ये है दालचीनी। ये जो है जिंजर। ये जो है गार्लिक। ये ग्रीन चिली, 4 ही डाला मैंने ग्रीन चिली, हरी मिर्ची। ये जो है काजू, बिना काजू का पनीर बटर मसाला हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका फ्लेवर ही नहीं आएगा और टेस्ट भी नहीं आएगा, इसलिए काजू देना बहुत ज़रूरी है। अब उसको मैं ठीक तरह से हिला रहा हूँ क्योंकि पकने के लिए। ये जो है टमाटर, मैंने 3 ही टमाटर स्मॉल स्मॉल पीस करके काट के रखा था। अभी 3 टमाटर मैं कढ़ाई पे डाल रहा हूँ। ये ढक्कन लगा के रख देता हूँ। देखिए अभी मेल्ट लगभग हो चुका है। उसको मैं फिर अभी 1/2 स्पून सॉल्ट डाल रहा हूँ क्योंकि सॉल्ट डालने से जो ऑनियन बहुत जल्दी से वो मेल्ट हो जाता है। ये 2-3 मिनट के लिए ढक्कन फिर से लगा के रख देता हूँ। देखिए अभी फ्रेंड्स, जो हमारा जो ये अनियन प्याज टमाटर ये सब मैंने डाला था, ये लगभग ब्राउन हो चुका फ्रेंड्स, है। अभी ये मैं उतर के मैं प्लेट में रख दूँगा ठंडा होने के लिए। उसके बाद ग्राइंडर में उसको पेस्ट कर लेंगे। अभी जो आगे का प्रोसेस के लिए मैंने फिर से कढ़ाई को बैठाया, फिर से मैं ऑयल डाल रहा हूँ 1.5 स्पून। आप देख पा रहे हो, साथ में 1.5 स्पून बटर, क्योंकि ये स्पून बड़ा है इसलिए 1.5 स्पून उसमें ही कवर कर लेता है। दोनों को ठीक से मैं मिक्स कर लूँगा अच्छी तरह से। मिक्स हो चुका है, सब डालेंगे तेज पत्ता।
उसमें मैंने छोटा छोटा पीस करके अनियन एक काट किया था, वो अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं कढ़ाई के अंदर। उसको ठीक तरह से अभी हिलाएंगे, क्योंकि वो ब्राउन जब तक नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही उसको हिलाते रहेंगे। अभी देखिए मैंने जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट हो चुका है, आप देख पा रहे हो मिक्सचर ग्राइंडर में। अभी देखिए ये लगभग ब्राउन हो चुका है फ्रेंड्स, फिर से हिला रहा हूँ क्योंकि जल ना जाए नीचे इसके कारण। फ्रेंड्स मैं आपको एक ही बात बार बार बोलूँगा, आप जब भी ये पनीर बटर मसाला आप घर में ट्राई करेंगे सो प्लीज़ लो फ्लेम में बनाइए। देखिए ये पेस्ट ये लगभग मेल्ट हो चुका है और ब्राउन कलर भी आ चुका है अभी। फ्रेंड्स आप ऐसे हिलाते रहिए जब तक वो ठीक तरह से ब्राउन ना हो जाए, नहीं तो एक ही जगह पे पूरा ब्राउन हो जाए एक जगह पे नहीं होगा, इसलिए आप हिलाते रहिए। सो देखिए हमारा कलर आ चुका है, पूरा ब्राउन हो चुका है अभी। सो अभी उसमें मैं ऐड करूँगा जो मैंने पेस्ट बनाया था। फ्रेंड्स देखिए बोल में मैंने ये पेस्ट लिया था, अभी कढ़ाई में अंदर डाल रहा हूँ ये पेस्ट। ये ठीक तरह से अभी मिक्स करूँगा। मिक्स कर लिया मैंने ठीक तरह से, अभी उसमें मसाला ऐड करूँगा मैं। लो फ्लेम में बनाइएगा नहीं तो जल जाएगा, उसमें काजू है, फ्लेम अगर ज़्यादा करेंगे तो जलेगा। देखिए फ्रेंड्स अभी ये डाल रहा हूँ हल्दी पाउडर, ऐड किया मैंने हल्दी पाउडर अभी। ये है धनिया पाउडर, ये है जीरा पाउडर हाफ स्पून, यह है चिली पाउडर हाफ स्पून, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी पेपर नहीं करता हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी आप पेपर करते हो डेफिनेटली आप चिली पाउडर ज़्यादा डाल सकते हैं। ये मसाला डालने के बाद ठीक तरह से मैं उसको मिक्स कर लेता हूँ, नहीं तो वो ऊपर रहेगा नीचे जल जाएगा, तो उसको ठीक तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छा टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है उसमें। स्वाद अनुसार सॉल्ट, पहले मैंने पेस्ट में सॉल्ट दिया था यहाँ पे, इसलिए मैंने हाफ स्पून सॉल्ट फिर से ऐड किया। ठीक तरह से उसको मिक्स कर लेंगे। अब देखिए बढ़िया सा कलर भी आ चुका है फ्रेंड, उसमें से थोड़ा पेस्ट के साथ पेस्ट नीचे था मिक्सचर ग्राइंडर में, इसलिए उसके साथ थोड़ा वाटर डाल के उसको मैंने कढ़ाई पे डाल दिया।
अभी देखिए लो फ्लेम में करने के बावजूद भी नीचे लग रहा है, सो इसलिए मैं उसको ठीक तरह से ये कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ। ये है गरम मसाला, फिर से उसको ठीक तरह से मिक्स करेंगे मसाला के साथ। देखिए अभी बढ़िया सा कलर भी आ चुका है फ्रेंड्स। अभी मैं ढक्कन से ढक के रख दूंगा 4 से 5 मिनट तक। अभी देखिए कलर बढ़िया से आया है, अभी आप देख पा रहे हो। अभी फिर से मैं अभी पनीर डाल रहा हूँ, अभी देख पा रहे हो आप पनीर यहाँ पे 200 ग्राम से, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हो या तो कम भी डाल सकते हो, क्योंकि आपका फैमिली मेंबर के अनुसार, ज़्यादा है तो ज़्यादा डालेंगे, कम है तो कम डालेंगे फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स हमारा ये इंस्ट्रक्शन है, आप हमारे जैसे एक बार पनीर बटर मसाला आप घर में बनाइए, आपका फैमिली को खिलाइए, बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा। अभी मैंने पनीर डाल दिया, अभी ढक्कन को ढक के मैं रख देता हूँ 4 से 5 मिनट तक। उसके बाद देखिएगा हमारा पनीर बटर मसाला रेडी हो जाएगा। देखिए अभी पनीर बटर मसाला रेडी हो चुका है, कलर भी बढ़िया से आया है और स्मेल भी आपको क्या बोलूँ मैंने, इतना बढ़िया सा आ रहा है। उसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाला, क्योंकि कस्तूरी मेथी डालने से उसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। अभी मैं गार्निश करने के लिए मैं धनिया पत्ता डाल रहा हूँ, कोरिएंडर लीव्स गार्निश के लिए। तो फ्रेंड्स ये मेरा पनीर बटर मसाला रेडी हो चुका है, सो आप भी प्लीज़ आपके घरों में ऐसे ही बनाइए और आप खा के देखिए कैसे होता है। सो फ्रेंड्स हमारा वीडियो अभी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को टॉप में लेके जाएगा। सो फ्रेंड्स ये जो है पनीर बटर मसाला आप पराठा के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, घी राइस या तो बियन राइस के साथ खा सकते हो। देखिए उसका लुक कैसे आया अभी देखिए फ्रेंड्स। सो प्लीज़ आप घरों में ट्राई कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for the watching the videos. Thank you friends. Good night.